बेटा अगर सचिन जी कुछ विधायकों के यहाँ राखी को लेकर चले जाए ना तो इस संकट का हल निकल सकता है। अरे ये कौन सी राखी आई? अरे हटाओ हटाओ उसको। हाँ ये वाली राखी है ना, पर एक शर्त है कि उन विधायकों के हाथों में यही राखी, ये राखी अभी हटाओ। हाँ ये यही राखी होनी चाहिए। अरे मेरे महान पिताश्री, आप तो ज्योतिषी हो ज्योतिषी, अब जल्दी से ये भी बता दो कि आगे क्या होने वाला है। तुझे लगता है मैं ज्योतिषी हूँ? हाँ और नहीं तो क्या, तभी तो इतनी सारी भविष्यवाणियां करते हो। मतलब मैं भविष्य देख सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, तभी तो इतनी सारी बातें बता दी आपने। तब तो मैं अपना भविष्य भी देख सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मैं अपना भविष्य देख सकता ना तो तू इस दुनिया में कैसे आता? Oh, no! और अगर गलती से आ भी जाता तो इतना बड़ा कैसे हो जाता? Oh, no! मतलब आपका ये सुपुत्र समझो कोनी। अरे अगर मुझे पता होता ना कि मेरा इतना नालायक बेटा निकलेगा तो मैं उसे पैदा ही क्यों करता? और अगर गलती से पैदा हो जाता ना तो जन्म लेते ही उसकी गर्दन दबा देता ऐसे। मम्मी देखो ना पापा क्या बोल रहे हैं। अरे मम्मी को क्या बोल रहे हैं, अगर मुझे मेरा भविष्य पता होता ना तो इस चुड़ैल से शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा रह जाता, कम से कम लाइफ तो इंजॉय करता। और अगर अभी भी मेरा बस चले ना तो तेरी गर्दन दबाने से पहले मैं तेरी मम्मी का ही गला दबा दूं। मम्मी पापा आपको चुड़ैल बोल रहे, चुड़ैल, पर आप गला दबाने की बात कर रहे हैं। और मरवाएगा क्या पागल, मैंने तो चुड़ैल थोड़ी कहा था, मैंने तो चंचल कहा था, मेरी प्यारी चंचल। और मैंने गला दबाने की थोड़ी कहा था, मैंने तो हाथ दबाने कहा था, पाँव दबाने कहा था। वो तेरी मम्मी काम करते करते थक जाती होगी ना, तो उनके हाथ दबाओ पाँव दबाओ, थोड़ी बहुत सेवा कर लिया कर तू भी। पापा आप भी ना यार बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, गिरगिट की तरह। बेटा तेरी मम्मी के लिए ना मैं गिरगिट की तरह क्या, इंद्रधनुष की तरह रंग बदल सकता हूँ। पापा अब आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे हार्ले डेविडसन दिलाओगे कि नहीं? अगर नहीं दिलाओगे तो आपके इसी इंद्रधनुष से धनुष निकाल के यही महाभारत करवा दूंगा। अब ये राजस्थान की पॉलिटिक्स ने हार्ले डेविडसन कहाँ से घुसा दी? पापा जी अब तो थोड़ी देर के लिए होम पॉलिटिक्स हो गई है, थोड़ी देर के लिए। अब अगर मेरे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि आपने मुझे हार्ले डेविडसन की अप्रूवल नहीं दी ना तो मैं आपसे गठबंधन तोड़कर मम्मी की पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, सोच लीजिएगा। अरे उससे मेरा क्या बिगड़ेगा, जा वजह शामिल। अब जब गहलोत जी अपने विधायकों के यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के भी फोन टेप करा सकते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं गेम। अभी आपने जो भी कुछ काम मम्मी के लिए सब मेरे इस फोन में मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब बताइए आप मुझे हार्ले डेविडसन दिलाओगे या अभी जाके मैं मम्मी से बैटल डील कर लूं? ओह नो। वाह बेटा वाह, बड़ी राजनीति सीख गया अपने पापा से ही। पॉलिटिक्स सब आप ही के पॉलिटिक्स के लेक्चर से सीखा है पिताश्री उर्फ गुरुदेव। अगर ऐसी बात है ना बेटा तो हम भी तेरे बाप है बाप। रात को तू जब कल से चैटिंग वैटिंग करके सो गया था ना तब तेरे लैपटॉप से सारे चैटिंग के स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लेते हमने। Oh, no. बोल बोले तो वो मम्मी को दिखा दूँ किसकी पार्टी में है तो। अरे नहीं नहीं पापा मैं तो मजाक कर रहा था यार, आप भी कहाँ सीरियस हो गए? मैं तो जब से जन्मा तब से आप ही की पार्टी में हूँ और जब तक मरूंगा तब तक आप ही की पार्टी में रहूंगा। अरे तो मैं कौन सा सीरियस था, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी बाप से कुटिलता करके आगे नहीं बढ़ सकता, वरना उसका हाल वही होता है जो पाकिस्तान का हुआ है। समझ गया। और रही बात भाई की तो मैं वैसे ही दिला दूंगा, पर हार्ले डेविडसन से थोड़ी कम ले लेना। ये हुई ना बात मेरे वर्ल्ड बेस्ट पापा, काश ये बात अपना पाकिस्तान भी सीख जाता ना
कि भाई जो चीज़ वो प्यार से भारत से ले सकता है ना, वो कभी कुटिलता या धोखे से नहीं ले सकता। सही बोला, बिल्कुल सही। अच्छा यार पापा, वापस राजस्थान पे आते हैं, आप ये बताओ कि यहाँ के संकट का हल क्या है? बेटा यहाँ के संकट का एकमात्र हल है राखी। राखी सावंत? अरे है तो वो ड्रामा क्वीन, पर यहाँ कौन सा ड्रामा कर लेगी? अरे वो नचनिया सावंत नहीं, राखी। राखी? लगता है पापा आप साथी बोलना चाहते थे, वो तो गलती से राखी निकल गया ना। गधे पहली बार तूने सही बोला था, राखी यानी रक्षाबंधन। अरे साथी तो वो मानने नहीं है जो बाड़े में बंद है ना, वो थोक के भाव से उड़ा रहे होंगे। अगर इसे थोक में फिलाओगे ना तो ये सारे के सारे जो मानने नहीं है ना, ये सब के सब अगले चुनाव तक भी होटल में बंद रहने को तैयार है। बेटा ये हालत देख के तो लगता है कि अगला चुनाव जल्दी आने वाला है। पापा आप रक्षाबंधन का भी कुछ बता रहे थे ना, क्या हल बता रहे थे? बेटा ये रक्षाबंधन ही संकट का हल निकाल सकता है, वरना और कोई नहीं। वो कैसे? बेटा अगर सचिन जी कुछ विधायकों के यहाँ राखी को लेकर चले जाए ना, तो इस संकट का हल निकल सकता है। अरे ये कौन सी राखी आ गई? अरे हटाओ हटाओ इसको। हाँ ये वाली राखी है ना, पर एक शर्त है कि उन विधायकों के हाथों में यही राखी। फिर ये राखी आ गई, हटाओ। हाँ ये यही राखी होनी चाहिए। अब सचिन पायलट ये राखी लेके जाएगा तो बांध के तो आएगा ना? ना बेटा ना, यही तो राजनीति है, जिसमें नीति चलाने के लिए कुछ बातों का राज होना जरूरी है। अरे आप पहलिया मत बुझाओ यार, मेरे इस बेजे में नहीं घुसता, सीधे सीधे बताओ जो बताना है। बेटा अगर सचिन ने अपनी राखी ले जाने में थोड़ी सी भी देरी कर दी ना, तो गहलोत जी अपनी जादूगरी वाली राखी लेके पहुंच जाएंगे। और ये बात तो सब जानते हैं कि गहलोत साहब की जादूगरी के आगे कोई नहीं टिक पाता। मीन्स राखी बनने के बाद विधायकों को भी उनकी रक्षा करनी होगी, बातें माननी होगी। हाँ बेटा रक्षाबंधन की तो यही महत्ता है, अगर किसी के हाथ में राखी बांध दी तो उसको उसकी रक्षा करनी ही पड़ती है, उसकी हर बात माननी ही पड़ती है। अच्छा तो ये बात है। पापा एक मिनट अपना हाथ आगे करना। क्यों क्या करेगा? अरे हाथ आगे तो करो। मैंने पहले बता तो क्या चाहिए तेरे को? मैं भी आपके सीधे हाथ पे राखी बांध लूंगा, फिर आपको भी मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, मेरी हर बात माननी पड़ेगी, फिर आपको मेरे लिए हार्ले डेविडसन लानी पड़ेगी। नालायक बाप के हाथ में राखी बांधेगा? अभी बताता हूँ, देखता हूँ तेरे को अब तेरी रक्षा कौन करता है, हैं? अभी बताता हूँ, इधर। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इससे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और वो जो बेल नोटिफिकेशन दे रखा है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप मेरी हेल्प करिए, मेरा सपोर्ट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।